हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो फिर से बिहार दरोगा मेंस के लिए है। कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि एग्ज़ाम जो हुए उसमें कितने स्कोर आए, तो मैंने तो क्वेश्चन देखा भी नहीं है अभी तक। मतलब पार्टिकुलर कोई वैसा स्टूडेंट मिला नहीं जिससे मैं सारे क्वेश्चन पूछ पाऊँ, तो कुछ भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस के को मतलब सुनने में आ रहा है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, कुछ यूट्यूब के जरिए मैंने देखा। और कम्युनिटी पोस्ट मैंने डाला था ताकि उसके जरिए बहुत अच्छे से मुझे मिल जाए रिव्यू, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया कि और करीबन के जितने भी स्कोर के कमेंट रहे वो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सबों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया। और मैं चूँकि मार्च से ही लगभग हाँ मार्च से ही मैं तैयारी करवा रही हूँ बिहार दरोगा मेंस के लिए, बीच बीच में कुछ अब्सेंट करके बाकी लगातार ही तैयारी शुरू है। और इतने दिन जो मैंने मेहनत की आप लोगों के स्कोर देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत सारे कमेंट ने किया कि हाँ मैंने जो सेट करवाए आप लोगों को तैयारी उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस टैली किया। कुछ ने कमेंट किया कि बहुत बड़ा योगदान रहा, कुछ ने कमेंट किया कि इतने दिन जो आपने तैयारी करवाई उसके उसकी वजह से बहुत अच्छा स्कोर कर पाए वो। तो अच्छा लगा सुन के कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। और मुझे ऐसा विश्वास था कि जो भी बिल्कुल स्टार्टिंग से मेरे सेट को लगाते आ रहे हैं बिल्कुल अंत तक बने रहे उनका मतलब बहुत ही बेनिफिट मिला होगा एग्ज़ामिनेशन हॉल में देखने को। और मैं उनकी बात नहीं कर रही जो कि कुछ सेट ही बस बीच बीच में आए, दो चार सेट लगाए और फिर तुरंत जज कर लिए कि नहीं क्वेश्चन नहीं लड़ा, तो मैं उनकी बात नहीं कर रही। जो बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी में लगे हुए मैं उनकी बात कर रही हूँ कि क्वेश्चंस जितने भी मुझे सुनने में आए वो सारे क्वेश्चंस करीबन मैंने सेट में करवाए थे। हूबहू क्वेश्चन मैं नहीं कह रही लेकिन सारे टॉपिक से, चाहे कुछ क्वेश्चन तो हूबहू भी थे और बाकी 10-15 क्वेश्चन जो थे वो ऐसा जब भी कोई भी एग्ज़ाम होता है तो 10-15 क्वेश्चन आपको बिल्कुल आउट लगता है कि पता नहीं कहाँ से दे दिया गया है और थोड़ा टफ, तो वो सभी के लिए होता है, उसे आप इग्नोर कीजिए। फिर भी सभी के स्कोर काफ़ी अच्छे रहे। और स्कोर की जहाँ तक सभी पूछ रहे हैं कि इतना क्या स्कोर क्या करूँ ये वो, तो मैं जनरली बता दूँ 70+ जिनका भी है वो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं और कर क्या सकते हैं, आप तैयारी में जुड़ जाइए अभी से ही। वेट ना कीजिए कि रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर मैं तैयारी करूँगा या करूँगी, नहीं, आप अभी से ही तैयारी में लग जाइए क्योंकि आप ऐसे भी प्रशासनिक विभाग में जाने वाले हैं तो आपको थोड़ा अपने हेल्थ से बिल्कुल फिट होना चाहिए। तो आप अपने जो होता है ना बिल्कुल फिट बनाए रखिए अपने शरीर को। और जैसे अभी से ये नहीं कि बहुत ज़ोर शोर से तैयारी करनी, एकदम लॉन्ग जंप भी कर रहे हैं, हाई जंप कर रहे हैं, ये वो ये सब आपको नहीं करना है। अभी से बस हल्की फुल्की दौड़ अपनी शुरू कर लीजिए। कुछ बॉयज़ वगैरह तो हमेशा मतलब जाते ही हैं लेकिन जो नहीं जाते उनके लिए है, कुछ गर्ल्स तो नहीं ही जाती है, तो आप अभी से ही थोड़ा सा जॉगिंग वगैरह जाना, थोड़ा हल्का फुल्का रनिंग करना, वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से ही। और जैसे ही रिजल्ट आएगा फिर पूरे जोर शोर से तैयारी शुरू कर दीजिए। दौड़ के लिए भी जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी। रिजल्ट आने दीजिए पहले, अभी फ़िलहाल जितना बताया उतना कीजिए और उस टाइम मैं उसके लिए भी स्पेशल वीडियो बनाऊंगी कि कैसे रनिंग करना है, कैसे लॉन्ग जंप हाई जंप क्या करना है, उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे कि बिहार दरोगा पीटी के लिए जो कुछ कमेंट कर रहे हैं। तो जिस तरह से मैंने देखा कि पिछले बार मैंने पीटी का तैयारी करवाया फिर मेंस का, तो दोनों में बहुत अच्छे रिस्पांस मिले, पीटी में भी और मेंस में भी। तो इस बार की पीटी में भी मैं और भी जो कुछ भी कमियां रह गई थी बहुत ही अच्छे तरीके से मैं फिर से पीटी की तैयारी करवाऊंगी। डेट मैं अभी नहीं बताऊंगी किस डेट से मिलेगा लेकिन बहुत जल्द, बस 2-4 दिनों में ही उसकी तैयारी चल रही है। मैं वीडियो के जरिए आपको बता दूंगी किस दिन से स्टार्ट हो रहा है। और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप स्टार्टिंग से ही जुड़िए, ये नहीं कि मतलब ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि उसी दिन से सारे स्टूडेंट जुड़ जाए, नहीं, बट जो भी जैसे बीच में भी आते हैं तो वो पिछले जो सेट होते हैं आप एक दिन में 2-3 करके ज़रूर लगा लिया कीजिए अगर बाद में आते हैं तो, क्योंकि वो मतलब मेरा ये कोशिश रहता है कि जैसे आज के सेट में जो क्वेश्चन दे दिया गया वो दोबारा रिपीट ना करूँ। रिपीट हो जाता है वो अलग बात है बट रिपीट मैं बहुत कम करती हूँ क्वेश्चंस को,
बिल्कुल नए सिरे से फिर से तैयारी शुरू करनी है, आप उसमें लग जाइए। और एक चीज़ है, और जिन्हें ये लगता है कि मेरा तो इस बार हो ही जाएगा और जिन्हें लगता है कि मैं चूक जाऊंगा, उन दोनों के लिए मैं कह रही हूँ, जो चूक जाएंगे उनके लिए पीछे है और भी बहुत सारे अभी आएंगे एग्ज़ाम, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। जिन्हें लगता है कि मेरा हो ही जाएगा और अब कॉपी किताब को बिल्कुल साइड रख देना है, तो वो ऐसा ना करें। जब तक ज्वाइनिंग लेटर हैंड में नहीं आ जाता तब तक आप थोड़े बहुत पढ़ाई करते रहिए। हाँ, आपको फिजिकल की तैयारी करने में थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे, फिर भी आप कम से कम 1 या 2 घंटे पढ़ाई करना बिल्कुल एकदम जारी रखें, ताकि बुक से आपका वास्ता बिल्कुल छूटे नहीं, बिल्कुल दोस्ती बनी रहे उससे, और पढ़ते रहिए उससे, करते रहिए। और बाकी पीटी के लिए मैं वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगी, लेकर आऊँगी। और फिजिकल के बस आप तैयारी करते रहिए, और जिस तरीके से अब तक के लिए गुड विशेस रही है आप लोगों के लिए, आगे भी गुड विशेस मेरी हमेशा आपके साथ रहेगी। बस अपनी तैयारी में जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।